हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रेलर दिखा दिया है और काफी स्ट्रैप भी उसमें दिखा दिए, आज हम इस वॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाले हैं कि वॉच कैसी है और इसमें कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे अमेजिंग वीडियो और देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं बॉक्स की बात। तो यहाँ पर अल्ट्रा 2 का कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है 7-in-1 स्ट्रैप्स के साथ, और यहाँ पर हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन का यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप फुल वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है और हमारी जो वॉच है कुछ अमेजिंग और शानदार होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया है। फर्स्ट में जैसा कि सभी वॉच में मिल जाता है एक कागज़, तो हमें इस वॉच में भी एक कागज़ देखने को मिल जाता है जिसके मदद से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या फ्यूचर इसमें कैसे वर्क करने वाले हैं इसमें कागज़ में देख कर हम सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन वाला स्ट्रैप्स। तो यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है और काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छा सिल्वर कलर का चेन आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों। इसको वॉच में पहन के देखेंगे तब भी काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है इसमें लॉक, हमारी वॉच में जाके लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको अब साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे स्ट्रैप्स की। तो यहाँ पर काफ़ी लग्जरी और काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप यहाँ पर इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन से स्ट्रैप इसमें दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी अमेजिंग स्ट्रैप लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, और काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब पिंक कलर का स्ट्रैप भी इसमें दिया गया है, काफ़ी सॉफ्ट है ये भी, काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन भी सबके अलग अल्ग है दोस्तों, जो कि ये यहाँ पर T800 अल्ट्रा वगैरह में देखने को मिल जाता है। सेम वैसा स्ट्रैप इसमें ब्लैक कलर में मिल जाता है और एक ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाता है जो कि एकदम सॉफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप और यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग स्ट्रैप है और काफ़ी अच्छा स्ट्रैप लगा है मेरे को ये वाला। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है एंड सॉफ्ट स्ट्रैप आपको इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर जो कि काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग लुक देखने को मिलेगा। उसके बाद बात लेते हैं यहाँ पर डायल के, तो यहाँ पर बटन मिल जाते हैं और एक माइक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक बटन और एक रिंगर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर डायल की जो लुकिंग है वो भी काफी अमेजिंग दी गई है और यहाँ पर सेंसर लाइट मिल जाती है जो हमारी हार्ट बीट वगैरह बताती है। उसके बाद यहाँ पर 4 स्क्रू मिल जाते हैं बैक साइड पे, काफी अच्छा डायल इसमें देखने को मिल जाता है और इसके जो साइज है वो भी बड़ी साइज है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस वॉच को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर बटन दबा के रखना है आपको, जैसे बटन दबा के रखेंगे तो ये वॉच ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ये वॉच ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हाई वॉच प्रो का आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में बात कर लेते हैं इसके वॉलपेपर वगैरह की, काफी अमेजिंग वॉलपेपर इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। फोर्स वाला भी है जिसमें टैप करते हैं इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, और दूसरी वॉच आती है उसमें जैसे ही हम इस पर टैप करते हैं ओनली कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अमेजिंग लगे, कुछ ही वॉलपेपर इस वॉच में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाते हैं फंक्शन जिसके स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और वॉच में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे आप बटन को डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर जो स्टाइल है इसकी फंक्शन की वो चेंज होती रहेगी बार बार। तो यहाँ पर 5 स्टाइल दी गई है इसकी जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिल जाते हैं काफ़ी फंक्शन। तो यहाँ पर अब एक एक को ट्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है हार्ट बीट वगैरह का चेक करने का। देखिए पीछे सेंसर जो लाइट है वो भी यहाँ पर वर्क कर रही है काफ़ी अच्छे से। रिसेट वगैरह करना है अगर आपको वॉच को तो यहाँ पर से आप रिसेट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन की लोकेशन चेक करना है तो यहाँ से आप इस वॉच से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको, यहाँ पर कैलकुलेटर मिल जाता है, यहाँ से आप जोड़ भी सकते हैं दोस्त। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको हार्ट बीट वगैरह का चेक करने का। तो काफ़ी अच्छी वॉच है यहाँ पर। दिखाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टाइल की। तो यहाँ पर स्टाइल वाला ऑप्शन मैंने पहले बता दिया। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको डायल जहाँ से आप फोन वगैरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं नंबर डायल करके। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है बार कोड जिसकी मदद से आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको गेम वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर इस वॉच में स्नेक वाला गेम दिया गया है दोस्त जो कि काफ़ी अमेजिंग है। लगभग सभी वॉच में सेम गेम देखने को मिल जाते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा हट के गेम मिला है। यहाँ पर आपको सांप वाला गेम मिला है जो कि नोकिया के मोबाइल में आपको देखने को मिलता है ज्यादातर दोस्तों। यहाँ पर मिल जाता है आपको टाइमर।
उसके बाद यहाँ पर मिल जाती है आपको सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है अबाउट, जिसमें आपको वॉच की डिटेल देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है लैंग्वेज वगैरह, यहाँ से आप अपने मनपसंद लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है टाइम एंड डेट वाला सेटिंग, तो यहाँ पर आप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको डिस्प्ले ऑन वाला, कितने मिनट तक आपको जो इसकी लाइट है उसको ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन, जो कि काफी अमेजिंग दिया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर रेड लाइट भी ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन मोड। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको सीरी, उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको स्टाइल वगैरह, मेनू वगैरह, स्लीप वगैरह का मोड मिल जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर सीरी मिल जाती है, जो कि आपके जो फोन में गूगल आता है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे नीचे डायनेमिक आइसलैंड वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि कोई और वॉच में नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायनेमिक आइसलैंड आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे फीचर इस वॉच में देखने को मिले, जो कि काफी अमेजिंग लगे, काफी अच्छी वॉच है दोस्तों। और फ्यूचर की बात करें तो काफी अच्छे अच्छे फ्यूचर इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें, आपको 950 रुपए में मात्र आपको सबसे कम रेट में 7 OnePlus स्ट्रैप्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक और DND मोड मिल जाता है, फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद ब्लूटूथ जहाँ से कनेक्ट होता है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वॉच है और 7 स्ट्रैप भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी वॉच है। आप इसको परचेस कर सकते हैं, 950 रुपये में मात्र आपको ये मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वॉच है, फ्यूचर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसे अमेजिंग वीडियो